आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताऊंगा जो कि दुनिया कुछ और मानती है और मैं कुछ और मानता हूं। कई बुक्स में मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने भी बताया और मैंने भी कई बुक्स में पढ़ा था कि ये जो सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, तो इसमें अगर प्राइस बार बार टक्कर मारता है, जैसे कि मान ली बहुत बार सपोर्ट ले रहा है, बहुत बार ऊपर वाली वॉल, इसको वॉल अगर समझ लो आप, ये दीवार है, ये एक रेसिस्टेंट दीवार है, एक सपोर्ट दीवार है, तो बार बार अगर टक्कर मारता है, तो अगर आप एक दीवार में बार बार हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, दीवार टूट जाएगी ना। बट यहाँ ये लॉजिक जो होता है, किस केस पे ये हो रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये वाली लाइन। तो इस पे ही मैं आपको समझाऊंगा कि ये लाइन जो है कितनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहले आपने देखा प्राइस इसके नीचे आ गया एक बार, पहले तो यहाँ नहीं आ पाया था, वापस ऊपर गया ये सपोर्ट लेके, बट एक बार जब इसके नीचे आ गया, यहाँ पे आज का ही चार्ट है, तो यहाँ से देखिए इसने टक्कर खानी शुरू करी रेसिस्टेंस से। तो अगर हम ये समझ लें कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है और इस दीवार को, नीले रंग की दीवार को टक्कर मारेगा बार बार, तो क्या होगा, प्राइस टू ऊपर जाएगा, टूट जाएगा? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग अभिधारणाएं रखते हैं इस लॉजिक पे। कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइस नीचे रिवर्स आएगा, जितना बार टक्कर मारेगा उतना चांसेस होगा कि प्राइस ऊपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है। बट आज के केस में मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया है और पैसे भी बनाए हैं, तो ये आपको दिखाऊंगा कि पहली बार क्या हुआ, टक्कर मारा, दूसरी बार टक्कर मारा, ठीक है, तीसरी बार टक्कर मार के ऊपर जाने की कोशिश किया, छेद कर दिया दीवार में, फिर भी वो नीचे आ गया, ठीक है, तीन टक्कर मार रहा है। तो अभी क्या आपके लॉजिक क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, और क्या कंडीशन होती है वो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ऊपर जाके एक होल और बना दिया, फिर भी इसने नीचे आया, तो इधर ही मैंने शॉर्ट किया था, ओके। इस अगर ये लॉजिक आपका बोलता, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने शॉर्ट किया था, आप टाइम देख लीजिए, ट्रेड बुक पे चलते हैं, ये देखिए ये जो टाइम है, और यहाँ का टाइम दिखा देता हूँ, ये एक्जैक्टली यहाँ क्या टाइम हो रहा है, 1:40 के आसपास है ना, यहाँ पे आप देखिए 1:38 पे शॉर्ट किया मैंने, ये आपका है 21,900 का कॉल शॉर्ट किया, मतलब मेरा व्यू था कि नीचे जाना है, ठीक है, और 1:43 पे निकल गया। 1:43 कहाँ है देखते हैं, ये है 1:43, ठीक, इस कैंडल पे ही मैं निकल गया। तो इस कैंडल के बाद आप देखिए हुआ क्या, थोड़ा सा प्राइस नीचे गया, फिर एकदम से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या लॉजिक था, वो मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस है, इसलिए मैं निकल गया। बट आपको ये बताऊंगा मैं कि अगर यहाँ ये लेवल है, तो मैं ये इस लॉजिक के हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूँगा कि प्राइस इसको टक्कर मार रहा था, बट प्राइस क्यों मार रहा था टक्कर, क्योंकि वो इस लाइन, ये जो लाइन है, इस यहाँ जाना चाह रहा था, ब्लू लाइन तक, ये वाली लाइन देखिए आप, ये लाइन, या इस जितने भी टक्कर मारे इसने इस लाइन को टच नहीं किया, यहाँ भी कोशिश की बट फिर फेल हो गया। फाइनली प्राइस ने जब इसको छू लिया, उसके बाद प्राइस नीचे गया, अपने जहाँ तक भी जाना था, जो भी लॉजिक मैंने निकाला था वहाँ तक गया प्राइस। उसके बाद से फिर से टक्कर मारने लगा, फिर से दोबारा ये एक छेद और कर दिया, फिर उसके बाद फिर से नीचे आ गया, अभी भी देखे टक्कर मार मार के ये नीचे ही जा रहा है। मतलब आज का मार्केट बड़ा फनी फनी टाइप था, बस टक्कर मारे जा रहा है, टक्कर मारे जा रहा है। तो ये जो लॉजिक है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किए, क्योंकि इस हिसाब से इसको टक्कर मारने के बाद फिर से प्राइस ऊपर ही जाना है, क्योंकि आज पागल हो गया है, प्राइस बेवड़ा हो गया है और इसको ही टक्कर मार रहा है दारू पी के। तो आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हर तरह के जो ट्रेडर होते हैं अपनी अपनी अभिधारणाएं रखते हैं कि प्राइस अगर ज़्यादा बार टक्कर मार रहा है क्या ऊपर जाएगा कि नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऊपर जाएगा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं जितने बार टक्कर जाएगा उतना ही रिवर्सल का काम करेगा,
तो दोनों की ही बाइंग बायर सेलर की फाइट हो रही है और वो टक्कर ही मारे जा रहा है, अभी तक कोई इसका नतीजा नहीं निकला है कि क्या करेगा प्राइस। ओके सो मैंने तो अपना दो ट्रेड्स किया और फिर मैं निकल गया, और अभी भी टक्कर ही मार रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।